जालौन मामला जनपद के थाना कुठौन से सामने आया है, जहां तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक का पहिया टेढ़ा हो गया और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने शव को रखकर जाम लगा दिया और लोडर गाड़ी में तोड़ फोड़ कर उसमें लदा हुआ दूध सड़क पर फैला दिया और बवाल करने लगे। जाम लगा होने और बवाल की सूचना पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए जल्दी जाम खुलवाया और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी जालौन से जिला ब्यूरो चीफ जुबैर अहमद की खास रिपोर्ट। हाईवे मार्ग पर एक पेमेंट की एजेंट से गलती हो गई है। संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है और विधिक कार्रवाई करके अभी पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम की बॉडी मिली है। बाकी यातायात भी करवा दिया गया है और ये सर ये किस एक्सीडेंट किस चीज से हुआ है? यहाँ पे एक बड़े वाहन के और मतलब दूध वाली गाड़ी थी, एक्सीडेंट हुआ। गौवंश की मौत के मामले पर गौ सेवा आयोग के सदस्य ने किया औचक निरीक्षण। माधोगढ़ डिकोली स्थित गौशाला में भ्रष्टाचार के चलते हुई गौवंशों के मौत के मामले पर गौ सेवा आयोग के सदस्य ने औचक निरीक्षण करते हुए एक साथ कई कार्यवाही के संकेत दिए। एसडीएम के स्थानांतरण से लेकर ईओ और डिप्टी सीबीओ के वेतन रोकने की कार्यवाही कराने की कही। इसके अलावा शासन को उच्च स्तरीय जाँच के लिए अवगत कराया जाएगा ताकि दोषी जेल जाए। गौशाला में 2 जून से लगातार गौवंशों की मौत हो रही है। नगर पंचायत प्रशासन से लेकर अध्यक्ष तक पूरे मामले में लिप्त हैं। 195 गौवंश दिखाकर उनका भूसा चारा में गड़बड़झाला दिखाया गया और मिल बांटकर सभी ने शासन से आया धन डकार लिया, जिसके कारण गौवंशों की भूख और बीमारी से मौत हुई। 2 जून से मामला तूल पकड़े हुए था, जिसको लेकर गौ सेवा आयोग के सदस्य कृष्ण कुमार सिंह भोले सिंह ने मौके पर जांच की तो प्रथम दृष्टया तमाम खामियां मिली। कपिला पशु आहार से लेकर अन्य व्यवस्थाओं पर भारी कमी थी, जिस पर उन्होंने एसडीएम सालिकराम का स्थानांतरण, ईओ और डिप्टी सीबीओ के वेतन रोकने व पूरे मामले पर विभागीय कार्यवाही के आदेश दिए। हालांकि इसके पहले 3 दिन के अंदर जांच की जाएगी, उसके आधार पर एफआईआर भी की जाएगी। उनके साथ बजरंग दल के जिलाध्यक्ष मनुराज तिवारी भी साथ थे। गौ सेवा आयोग के सदस्य कृष्ण कुमार सिंह ने गौशाला के लिए भाजपा चेयरमैन राजकिशोर गुप्ता के द्वारा किए गए टेंडरों में भ्रष्टाचार और कमीशनबाजी के मामले पर भी जांच कराई जाएगी और दोषी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, कहकर योगी सरकार के मंसूबे स्पष्ट कर दिए। यूपी जालौन से जिला ब्यूरो चीफ जुबैर अहमद की खास रिपोर्ट। दिया है, जांच होगी, उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हमारा एक छोटा सा सवाल है, क्या इसमें दोषी सिर्फ कर्मचारी हैं? क्या यहाँ जनप्रतिनिधि नहीं है? क्या डीएम साहब, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, 2 तारीख के बाद में डीएम साहब मौका पे नहीं आते? गौशाला का विषय है जहाँ तड़प तड़प के गाय मर गई है, बिना पोस्टमार्टम के उन्हें जमीन में गड़वा दिया गया है, तो डीएम साहब यहाँ आए नहीं एक भी बार? कोई उच्च अधिकारी जांच करने के लिए नहीं आया? तो इस पे क्या प्रशासन के कुछ आला अधिकारियों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ कोई जाँच होगी क्या? देखिए, जहाँ तक माधवगढ़ की घटना का सवाल आप लोग उठा रहे हैं और जनप्रतिनिधि और जिला अधिकारी, तो हम इतना कहते हैं कि उरई जालौन से बड़े अधिकारी परम पूजनीय श्री महंत उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भोले सिंह के रूप में गौ सेवा आयोग के सदस्य को भेजा है। तो अब वो लोग भोले सिंह स्वयं आ गए, वो अच्छा था कि डीएम आते, वो अच्छा था। चलिए, आप आ गए, ठीक है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने स्थलीय निरीक्षण किया, आम जनमानस से भी पूछताछ की, त्रुटियां मिली हैं, लेकिन उसका एक संवैधानिक दायरा होता है कार्य करने का और दंडित करने का। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। जो जेल जाने लायक का अपराध किया होगा वो जेल जाएगा, जो सस्पेंड होने का अपराध किया वो सस्पेंड होगा, और जो गौवंश के संरक्षण और संवर्धन में घोर उदासीनता और लापरवाही जो बरता है, वो हो सकता है कि अगर
उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारी होगा तो वो बर्खास्त भी होगा। एक सवाल छोटा सर और है, यहाँ जो जनप्रतिनिधि है इस नगर पंचायत के जो चेयरमैन है, सुनते हैं कि उन्होंने जो टेंडर किया है बहुत ऊंचे रेटों में किया, उसमें 20% कमीशन खाया गया है, क्या इसकी भी जांच होगी, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? चूंकि भाजपा की सरकार है और भाजपा के चेयरमैन है, इसलिए क्या उनके खिलाफ कोई जांच होगी और कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? बस इतना छोटा सवाल। यह विषय मेरा नहीं, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो मैं जवाब जरूर दूंगा। जब से परम पूजनीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है, कार्यभार ग्रहण किया है, तो 24 घंटे के अंदर दो बड़े काम सबसे पहले उन्होंने किए। पहला, स्लाटर हाउसों पर ताला लगाने का, गौ तस्करों को जेल में ठूसने का, और दूसरा सबसे बड़ा कार्य उन्होंने किया है कि संपूर्ण कार्यों को ई टेंडरिंग के माध्यम से लागू किया, जो गंगा जल की तरह पवित्र है और पारदर्शिता की तहत है। यदि कहीं से कोई आप लोगों को ऐसी शिकायत आती है तो उसके लिए तमाम प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात रखें। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।